नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हालचाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश, और आज लेकर आया हूं मैं अपनी वीडियो जो कि होगी ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयन का, या फिर सिंपली कहूँ तो किसी भी स्पीशीज में सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। और मेरा आपसे ये वादा है कि इस ट्रिक को यूज़ करके आप 99% मॉलिक्यूल या फिर स्पीशीज़ का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपकी जो डिमांड होगी उस पर हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस मेथड से रिलेटेड जो भी लिमिटेशन है हम वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आती है और इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हो। तो देखिए, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल या फिर स्पीशीज में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा उस सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर आपने मॉलिक्यूल या फिर स्पीशीज क्यों बोला, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आयनिक फॉर्म में भी रहते हैं, तो उसे हम रेडिकल भी कहते हैं। तो आप रेडिकल का भी निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप SO42- CO32- ऐसे स्पीशीज जो पॉलीएटॉमिक आयन है इनका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको किसी का हाइब्रिडाइजेशन जानना है तो पहले सेंट्रल एटम का आप स्टेरिक नंबर जानिए। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिंपल बोलूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक सेंट्रल एटम को सराउंड करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। और इसमें स्टेरिक नंबर में हम स्ट्रिक्टली बॉन्ड पेयर की बात करने वाले हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टेरिक नंबर दैट इज सिग्मा प्लस, ये सिग्मा मैंने कौन सा बना दिया, सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अगर दो आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी। क्या हो जाएगा, एसपी, मतलब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो सर ये दो आया कैसे, क्या एक सिग्मा और एक लोन पेयर होगा, जी बिल्कुल। सर क्या ऐसा हो सकता है दो सिग्मा और जीरो लोन पेयर, जी बिल्कुल ये भी सही है। सर क्या ऐसे हो सकता है एक सिग्मा और सॉरी जीरो सिग्मा और दो लोन पेयर, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। आप याद रखिएगा लोन पेयर के नंबर सिग्मा से ज़्यादा हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा इसका मतलब सामने वाले स्पीशीज ने एक दूसरे से बॉन्ड बनाया ही नहीं है। मतलब जिस मॉलिक्यूल के बारे में आप पढ़ रहे हो उन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया, सेंट्रल एटम ने बाकी सबसे बॉन्ड नहीं बनाया। अब किसी के दिमाग में ऐसा आता होगा सर पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप हाइब्रिडाइजेशन की थियोरी पढ़ लिए होंगे तभी इस ट्रिक को देखने आए हैं, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और अगर ये तीन आ जाता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर ये चार आ जाता है, और सॉरी यहाँ पे मैंने sp3 लिख दिया, इसे sp2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा sp2, और चार हो गया तो sp3, अगर ये पाँच हो गया तो sp3d। आप देखें तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आ जाता है। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है, तीन। तो ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितनी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है, एक एस दो पी, टोटल तीन। इसमें देखिए चार है ना, तो एक एस तीन पी चार, एक एस तीन पी और दो डी, सॉरी एक डी, तो एक प्लस तीन प्लस एक पाँच, ठीक है। अब छठा देखिए sp3d2, और अगर सेवन हो गया तो sp3d3। मैं जानता हूँ आप में से बहुतों को ये पता होगा, ठीक है, बट बताना ज़रूरी था। अगर आठ हो गया तो sp3d4 या फिर fsp3d3, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं, बट एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न हम स्टेरिक नंबर आठ की बात नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि स्टेरिक नंबर होगा सिग्मा प्लस लोन पेयर, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब क्वेश्चन आता है हमें स्टेरिक नंबर पता कैसे चलेगा, मतलब ये जो नंबर है दो तीन चार पाँच छः ये आएगा कैसे। तो अब यहीं पे स्टार्ट होती है हमारी ट्रिक। तो कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हैं जो आपको करने होंगे जिससे आपको स्टेरिक नंबर पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
इन गिवन स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं मैं, इन गिवन स्पीशीज, ठीक है। और इस पूरे को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वाई से, किससे वाई, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप वन, ठीक है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी दो चीज है, अगर न्यूट्रल है तब तो आप सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे, ओके, बट अगर कटायन है, अगर कटायन है तो जितना चार्ज है उतना माइनस करोगे। मान लो ये डाई पॉजिटिव कटायन है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इसे माइनस कर दोगे टू को, तीन होगा तो तीन को माइनस करोगे, एक होगा तो एक को माइनस करोगे। सर अगर एक भी कटायन ना हो तो, वो तो पहला केस आ गया। अगर अनायन हुआ, ओके, और उसके ऊपर मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है तो आप उसे ऐड करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है, कब, जब आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन स्पीशीज में ढूंढोगे। अब ये गिवन स्पीशीज क्या हो सकती है, जी हाँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकती है या फिर एक चार्ज स्पीशीज, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे CO2 है तो CO2 के लिए Y क्या आएगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार, ऑक्सीजन का कितना होता है, छः, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, दो, ये देखिए दो। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि सर कितनी सारी बातें बता रहे हैं, बट आप दुनिया भर के फॉर्मूले के बदले अगर ये ट्रिक सीख जाते हो तो आपको कभी हाइब्रिडाइजेशन में फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया 4 प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 4 दैट कम्स आउट टू बी 16। तो ये आपके हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आयन आ गया तो जैसे SO3 2 माइनस, तो इसमें सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के 6 इंटू 3, मैंने 6 क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। जी हाँ, आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन सब कुछ कर पाओगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, जैसे कार्बन होता है 6 होता है तो वो 2 और 4, सल्फर है 16 है तो ये 2 8 6, ऑक्सीजन है 8 है तो ये हो जाएगा 2 और 6। तो हमें देखना है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा देखिए, और इसमें प्लस 2 भी करना है तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 18 प्लस 2 20 दैट कम्स आउट टू बी 26। अब हम लगे हाथ एक अनायन का भी कर देते हैं, सॉरी कटायन का भी कर देते हैं, तो कटायन के लिए मैं ले लेता हूँ I3 प्लस। तो अब जरा देखिए 7 इंटू 3, क्यों 7, क्योंकि आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और 3 आयोडीन है और एक माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि जब कटायन होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो इसीलिए लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का तो माइनस कर दिया। तो ये 21 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 20। तो ये हो गया आपका सबका वाई का कैलकुलेशन। तो ये था स्टेप वन, हो गया स्टेप वन। अब हम बढ़ते हैं स्टेप टू की तरफ। अब ये स्टेप टू क्या बोलता है, आपको वाई को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, वाई को कितने से डिवाइड करना है, 8 से। तो आपको मिल जाएगा क्यूशिन प्लस आर, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक में आर मिले, आर मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं शेषफल, ओके, एंड क्यू स्टैंड फॉर क्यूशिएंट, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 17, तो आपको करना क्या है, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 टू जा 16 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 ऐसे लिख देना है। जैसे मान लीजिए 23 है, आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 टू जा 16, और फिर कितना बच जाएगा, आई थिंक 8 टू जा 16 हो गया, फिर 4 और 3 7, तो ये 7 बच जाएगा, ओके, ऐसे, ठीक है, ये सारी चीज याद रखना। तो स्टेप वन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ लीजिए, और फिर स्टेप टू में क्या करना है, उसे 8 से डिवाइड कीजिए, क्यू का वैल्यू ले लीजिए और आर का वैल्यू ले लीजिए। अब आता है यहाँ पे क्यू का मतलब, जी हाँ, क्यू क्यूशेंट ही होता है, बट ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और जो आर है उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना था, और वो क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जी हाँ, आपका स्टेरिक नंबर आ जाएगा Q प्लस R बाय 2,
ओके, और यहीं से आप स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन अपना इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके लिमिटेशंस को भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये जो हमारी ट्रिक है ये काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला मैं लेता हूँ सबसे सिंपल मॉलिक्यूल CH4। तो वाई को कैलकुलेट करते हैं, वाई क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का एक काम करते हैं, CH4 को रहने देते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेता हूँ मैं ले लेता हूँ सबसे पहले, इसे बहुत सारे बच्चों को I3- का ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है और ये IIT JEE और NEET जैसी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ढूंढ लेते हैं, मतलब वाई ढूंढते हैं, तो 7 × 3 + 1 तो ये कितना हो गया, 21 + 2 दैट इज 22। ठीक है, अब हमको दूसरा क्या ढूंढना है, ये केस वन था, केस वन ले सकते हैं या फिर आप स्टेप वन ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, स्टेप टू, हालांकि स्टेप लेना ही ज़्यादा सही होगा। स्टेप टू में आप क्या करेंगे, y को 8 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 22 / 8 तो आपको क्या आ जाएगा, 8 × 2 = 16, 16 फिर कितना बच गया, 6, तो ये हो गया 6। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है क्यू, क्यू मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या है आपका R। ओके, अब हमको तीसरा निकालना है स्टेरिक नंबर, और वो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 2 + R कितना है, 6/2 मतलब 2 + 3 तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब स्टेरिक नंबर हो गया 5। और अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे बताया था स्टेरिक नंबर 5 मतलब एक S, ये 3 P हो गया और एक D हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा SP3D। और अगर आपको VSEPR थियरी का अच्छा नॉलेज है तो आप I3- का स्ट्रक्चर भी, मतलब उसका शेप और ज्योमेट्री दोनों बता सकते हैं। तो ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा, ओके ऐसे आप देख रहे हैं सेंट्रल आइटम में उसके कितने सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे बता रहा था हमारा फॉर्मूला 2, तो यहाँ पे देखिए आयोडीन के 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, तो ये देखिए एक ये सिग्मा एक ये, और कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर, तो ये देखिए देखें। बाकी जो स्ट्रक्चर है इसके लिए आप लुईस डॉट वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी हाँ, आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, आपको आंसर आ ही जाएगा। चलिए SO4 2- ले लेते हैं। ठीक है, तो SO4 2- में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सल्फर का 6 + 4 4 ऑक्सीजन है, और हर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, और ये 2 नेगेटिव है तो इन्हें भी ऐड करना बनता है, तो ये कितना हो गया, 6 × 4 = 24, 24 + 6 = 30 और 2 = 32 हो गया, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अपने को क्या करना है, वाई ढूंढना है, तो ये तो अपना कुछ नहीं तो वाई का ही वैल्यू है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में क्या करना है, 32 / 8 तो सिंपली आपको क्या आ गया, 4, मतलब इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं सेंट्रल आइटम पे, देखिए क्योंकि आपको ये क्या मिल गया, ये क्यू मिल गया, और क्यू मिल गया मतलब इसने सिंपल क्या बता दिया, सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर मतलब रिमाइंडर तो आया ही नहीं जिसको आप 2 से डिवाइड करके लोन पेयर ढूंढ सको, तो ये ऐसे हो गया सिंपल। और अगर थर्ड की मैं बात करूँ तो थर्ड क्या होता है, स्टेरिक नंबर दैट इज Q + R/2, तो Q की वैल्यू तो 4 आ गई है लेकिन R कुछ है ही नहीं, तो 4 + 0 दैट इज 4, और स्टेरिक नंबर अगर 4 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है SP3। ठीक है, तो सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3, और जिन्हें उसका ज्योमेट्री या शेप नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो कुछ ऐसे होगा SO, तो देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 सिग्मा बॉन्ड, बट हम सबको पता है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6, तो अभी 2 बॉन्ड और बन सकते हैं, तो ये देखिए ये 2 बॉन्ड बन गए, लेकिन ये तो पाई बॉन्ड है इसीलिए अपने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते, और इस ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी होगा नेगेटिव चार्ज, आया आपको समझ में, तो इस तरह से। हालांकि ये सब कुछ बताने के लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए VSEPR थ्योरी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, ये वीडियो स्ट्रिक्टली हाइब्रिडाइजेशन को ढूंढने के लिए। ठीक है, ऐसे ये हो गया सल्फेट। अब आगे देखिए आप PCl5 का ढूंढ लीजिए, जी हाँ मुझे जो जो ध्यान में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ढूंढने के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज ले सकते हैं। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन का 7 × 5, ओके 35 + 5 बिकम्स 40, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया वाई, स्टेप वन, स्टेप टू देखिए Y/8 दैट कम्स आउट टू बी 40/8, तो ये कितना आ गया 5, मतलब ये किसकी वैल्यू है, Q की, क्यूशन, और R का वैल्यू तो कुछ आया ही नहीं, मतलब वो क्या हो गया 0,
तो आपका थर्ड स्टेरिक नंबर तो इजीली आ जाएगा। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू प्लस आर बाई टू होता है। क्यू का वैल्यू आपको क्या मिला है, 5, और आर का वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, राइट। तो अब अगर 5 आ गया तो आपको पता है स्टेरिक नंबर 5 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, एक ऊपर क्लोरीन और एक नीचे क्लोरीन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जिन्हें पता है तो मैं बता दूं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो ये वो, ठीक है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, तो जिसके वजह से हम बहुत सारे ट्रिक एंड टैक्स के वीडियो फ्यूचर में भी अपलोड करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस थियोरी के लिमिटेशन की। सर ये थियोरी नहीं थी, ये ट्रिक था। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये ट्रिक का लिमिटेशन। सबसे पहले, अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल में या फिर स्पीशीज में, मॉलिक्यूल बोलो या फिर स्पीशीज, क्योंकि आयन भी आ जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन हो, अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है, अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो साथ लेना होगा। तो सर उसमें लिमिटेशन क्या है, अगर हम हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ लेते हैं बट हमें हाइब्रिडाइजेशन तो मिल जा रहा है ना। तो याद रखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो तो एक ही होता है ना, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा तो आप फिर साथ कैसे ले सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, CH4, अगर आप इसको इस मेथड से करते हो, जैसे कि CH4 है, अगर आप कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो एक होगा और 4 कार्बन है, प्लस कार्बन सॉरी हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे, और कार्बन कितना है, 1, तो प्लस 1 इंटू कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो ये हो गया 4 प्लस 4, टोटल कितना आ गया, 8, तो ये हो गया आपका वाई का वैल्यू। तो ये किसका वैल्यू मिल गया हमें, वाई का वैल्यू मिल गया। अब अगर आप हमें स्टेप 2 में जाना है तो y बाय 8 करना होगा, तो 8 बाय 8 आ गया, तो यहाँ पे 1, तो देख रहे हैं गलत आ गया, सिग्मा बॉन्ड का वैल्यू सिर्फ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका सही तरीका क्या है, आपको हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ लेने होंगे, तो कार्बन का 4 हो गया प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 7, तो 7 × 4, ओके, तो ये 4 हो गया प्लस 28, तो कितना हो गया, 32। अब देखिए ये आपका वाई का वैल्यू हो गया। अब ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्टेप 2, 32 डिवाइड बाय 8, दैट कम्स आउट टू बी 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्टेरिक नंबर निकालना होगा, स्टेरिक नंबर, और ये क्या है, क्यू का वैल्यू मिल गया, मतलब क्यूशेंट, मतलब क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो लोन पेयर तो है ही नहीं, मतलब स्टेरिक नंबर क्या होता है, क्यू प्लस आर बाई टू, तो क्यू का वैल्यू हमको कितना मिला है, 4, और आर तो है ही नहीं कुछ, तो ये पूरा पार्ट 0, तो स्टेरिक नंबर 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। आया समझ में, ऐसे। तो ये पहला लिमिटेशन था, बट आप कह सकते हो इसमें हमने थोड़ा सा एडिशन किया है ताकि आपको वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरा, इट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, या फिर ट्रिक फॉर्मूला कह लीजिए आप, या फिर कह लीजिए ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी सेंटर मॉलिक्यूल, मल्टी सेंटर मॉलिक्यूल, मल्टी सेंटर मॉलिक्यूल के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। जैसे ये देखिए C(CCH), ऐसे केसेस में आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कैसे, आप अगर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 लेंगे और ये हार्ट लेंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ, तो पहले सबसे पहले इसका वाई कैलकुलेट करना होगा, तो 4 प्लस, मान लीजिए इसको 7 ले लेते हैं, तो ये 4 प्लस 7 कितना आ गया, 11। अब ये तो गड़बड़ हो गया, तो ऐसे केसेस में आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो आप सिंपल डायरेक्ट लगा सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो आप ये कार्बन का चेक कर लीजिए, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 और ये 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 है, मतलब q का वैल्यू 2 है, और लोन पेयर तो 0 है, मतलब r बाय 2 का वैल्यू क्या हो गया, 0, ये पूरा r बाय 2 0 हो गया, तो q ही क्या डिसाइड करेगा, स्टेरिक नंबर, और वो कितना आया, 2 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक, इसका भी sp हो जाएगा। और इसी का और एग्जांपल चाहिए तो ये ले लेता हूँ मैं, H2O2, ये देखिए
ओपन बुक स्ट्रक्चर H2O2 का स्ट्रक्चर होता है, तो इस केसेस में भी आप नहीं ले सकते। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और हाइड्रोजन का आपको 7 लेना होगा, तो कितना आ जाएगा, 6 और 7 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप नहीं निकालोगे, तो इसमें भी आप वही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो देखिए क्यू के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2, तो ये 2 हो गया। लोन पेयर कितने उसके, 2, तो प्लस 2, टोटल कितना हो गया, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। जी हाँ, मैं इसे निकाल रहा हूँ बट हमारे फॉर्मूले से नहीं निकाल रहे, हमारे ट्रिक से नहीं निकाल रहे, इसे मैं अलग तरीके से निकाल रहा हूँ। तो आपने एक चीज और क्या देख लिया, इसी में तीसरा लिमिटेशन भी हमें पता चल गया। तो पहला क्या था, अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो आपको हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेना होगा। दूसरा लिमिटेशन क्या था कि मल्टी सेंटर मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा लिमिटेशन इसका ये है सिंपल सा कि अगर वाई का वैल्यू ऑड आता है, वाई का वैल्यू ऑड आता है तो भी आप इससे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये देखिए NO2, NO2 में अगर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए तो 5 है, 6 × 2, तो ये टोटल कितना हो गया, 6 × 2 = 12, 12 + 5 = 17, तो अब 17 है। y का नंबर तो अब आप y बाय 8 करेंगे तो आपको कैसे आ जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे 17 आ गया, तो ये केस में भी आप नहीं निकाल पाएंगे। या फिर आप ले सकते हैं दूसरा ClO2, तो क्लोरीन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, तो 6 × 2 = 19, ये केस में भी आपको जो हाइब्रिडाइजेशन है वो करेक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए भी दूसरा तरीका है जो आप है स्ट्रक्चर बना के हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आया समझ में, जी हाँ। तो ये था हमारा ट्रिक रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसी तरह आप सीखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।